तरारी 196 विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है और तकरीबन 10,000 कुछ मतों से जो एनडीए के प्रत्याशी थे, बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत, उनकी तरारी विधानसभा से जीत हुई है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है और सर्टिफिकेट देना अभी बाकी है। हालांकि आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं, ये मतगणना कक्ष है और हमारे साथ भोजपुर जिले के कई विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पत्रकार हैं और उनसे ही हम आज बातचीत करेंगे कि तरारी विधानसभा में जो कहा जा रहा था कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार के जीत होने का कारण क्या है। सबसे पहले आपसे हम बातचीत करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है और हम यहाँ पर पत्रकार हैं भोजपुर जिला के। तरारी चुनाव को की लगातार हम लोग कवरेज किए हैं, हम लोग साथ में ही कवरेज किए हैं और जो उस समय आंकड़ा आकलन हम लोग कर रहे थे वो ये था कि बहुत कांटे का टक्कर होगा राजू यादव और बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत के बीच। लेकिन जब मतगणना हुआ है अभी तो ये साफ उल्टा हो गया है और एकतरफा जीत मानी जाएगी। उपचुनाव में 10,000 का वोट का जीत का अंतराल कहीं ना कहीं एक बड़ा जीत का अंतराल होता है और ये एकतरफा ही माना जाएगा। और इसका कारण जो मेरे समझ से है वो विशाल प्रशांत का युवा होना, उनके पिता सुनील पांडे का वहाँ पर विकास कार्य करना और दूसरा जो निगेटिव माले के लिए है वहाँ पर सुदामा प्रसाद जो अभी आरा के वर्तमान सांसद हैं वो 9 साल विधायक रहे हैं और वहाँ की जनता हर गांव में, हम लोग जब चुनाव कवरेज कर रहे थे तो हर गांव में हर जाति हर वर्ग के लोग का कहना था कि 10 सालों में यहाँ पर काम नहीं हुआ है। और उस 10 साल के पहले जब सुनील पांडे वहाँ के विधायक हुआ करते थे तो उनका जो शिलापट है, वो काम किया हुआ बोर्ड है, वो लगभग हर गली हर नुक्कड़ में दिखता है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि 10 साल पहले वहाँ पर सुनील पांडे के द्वारा काम किया गया था और उसी का देन है कि विशाल प्रशांत जो उनका बेटा है उनको कहीं ना कहीं सुनील पांडे का काम का मदद मिला है और एक युवा होने के नाते भी तरारी की तमाम जनता उन पर अपना विश्वास दिखाई है और हर वर्ग हर विशेष इस बार जाति का मिथक भी तरारी में टूटा है। क्योंकि माना जाता है कि रणवीर और माले की लड़ाई का गढ़ हुआ करता था तरारी, लेकिन इस बार 24 में जो ये उपचुनाव हुआ है वहाँ पर ये माले का जो वोट में भी बीजेपी के द्वारा सेंधमारी की गई है। अगर हम जाति की बात भी खुलकर करें तो मुसार समाज का जो वोट है वो माले को मिलता था, इस बार बीजेपी को पूर्ण रूप से मिला है। बनिया वोट में माले हर बार सेंधमारी कर देता था क्योंकि सुदामा प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ते थे और वो बनिया समाज से आते थे, इस बार बनिया वोट भी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहा है। माले का मुसलमान की वोट की बात करें तो जन सुराज मुसलमान के वोट को काटने में सफल रहा है और इसका घाटा सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो हुआ है वो माले को हुआ है। तो यही मेरा पॉइंट है और विशाल प्रशांत की जीत के ये पॉइंट है जो उनके पुत्र पिता का काम है, उनके युवा होने की वजह है और माले के ना काम करना कहीं ना कहीं विशाल प्रशांत को विधायक वहाँ का बनाया है। तरारी विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से जन सुराज की चर्चा हो रही थी आमजनों में कि नेक टू नेक फाइट में जन सुराज भी सामने आ सकता है, क्या लगा कि प्रशांत किशोर का जादू इस बार नहीं चला क्या यहाँ? देखिए, जो किरण सिंह वहाँ की प्रत्याशी हैं तकरीबन 5,000 कुछ वोट लेकर के आई हैं और 5,000 जो वोट होता है वो कोई मुखिया भी चुनाव लड़ता है, पंचायत स्तर पर चुनाव होता है तो उसमें कैंडिडेट को मिलता है, तो इस वोट को कुछ भी हम काउंट हम नहीं करेंगे एक विधानसभा चुनाव के हिसाब से। और जो प्रशांत किशोर हैं वो मीडियाबाजी, डिजिटलाइजेशन और इसमें ही हवा हवाई में रह गया है, धरातल पर उनकी पहचान, उनकी पार्टी को पहचान यहाँ पर नहीं मिल पाई है। संक्षेप में ही हम जानेंगे आपसे, संक्षेप में छोटा सा में ही क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव में कहीं ना कहीं मतों का बिखराव नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक है ही, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय होते भी सुनील पांडे ने करीब 63,000 वोट लाए थे और जो उनको वोट कम मिले थे वो बीजेपी को वोट मिला था। इस बार बीजेपी ने उन पर विश्वास दिलाया, जिस दिन उनकी और उनके बेटे दोनों की ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई थी उसी दिन इस बात पर मुहर लग गई थी कि तरारी से या तो विशाल प्रशांत या सुनील पांडे टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रचार हुआ, एनडीए के सहयोगी गठबंधन के तमाम वो बड़े नेता, मसलन नीतीश कुमार से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सभी वो लोग आए, तो सबका एक समेकित प्रयास था जिसको आप बोलेंगे। और जिस तरीके से वहाँ पे लोगों का कहना था कि विकास का कार्य नहीं हो रहा है, भले ही सुदामा प्रसाद एमएलए से एमपी बन गए लेकिन लोगों का यह कहना था कि विकास का कार्य नहीं हो रहा है, बाहुबली है तो क्या है विकास करता है, इस नारे पे भी लोगों ने वोट दिया है और जन सुराज की कहानी वही हो गई। देखो देखो कौन आया,
लोग समझ रहे थे कोई बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, लेकिन जनसुराज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बना है, 5000 समथिंग वोट आए हैं। और गनीमत यह है कि जनसुराज को नोटा से अधिक वोट मिल गए हैं। संक्षिप्त में मेरा यही आपसे कमेंट रहेगा। अच्छा ये बताइए, आखिरी दौर जब चुनाव का था तो तेजस्वी यादव भी आए थे और लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव लहर पैदा करेंगे, और फिर वो जिस तरीके से पिछले पार्लियामेंट जो चुनाव हुआ था तो उसके हिसाब से वो एक नया मैजिक करेंगे और तरारी विधानसभा जीतेंगे, चारों लोकसभा भी जीतेंगे, चारों उपचुनाव को लेकर। सही में बहुत बड़ी हमारा भी अनुमान था, हम सभी जितने भी हमारे मीडिया साथी हैं, 5000-7000 वोट होगा, लेकिन 10000 बहुत बड़ी मार्जिन है उपचुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन माले न कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उसको देने में एक भूल की है। इस बात को माले के स्थानीय नेता भी मानते हैं। ऑफ द कैमरा बहुत लोगों ने कहा कि अगर राजू यादव की जगह दूसरा कोई प्रत्याशी होता तो शायद कहानी दूसरी होती, क्योंकि हर कोई जानता है कि तरारी में बनिया समाज का एकमुश्त वोट है और यही कारण है कि सुदामा प्रसाद वहाँ से लगातार निकलते थे। लेकिन इस बार माले ने सिर्फ यादव चेहरे पर भरोसा दिलाया, और राजू यादव बहुत पुराने चेहरे हैं, दुर्भाग्य है उनका कि इस बार भी उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं माले को और लेफ्ट गठबंधन को भी मंथन करना पड़ेगा कि क्या माले में सिर्फ एक ही चेहरा है जिसको विधानसभा हो या लोकसभा हो टिकट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की 9 मिनट की चुनावी सभा भी थे सोनू वहाँ पे, 9 मिनट की सभा जो चुनावी सभा है तरारी में कमल को खिलने से नहीं रोक सकी। जी हाँ, साफ तौर पे जो हमारे युवा मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव का 9 मिनट का चुनावी कैंपेन चुनावी भाषण था वो लहर को नहीं भाप पाई और बीजेपी आखिरकार यहाँ से जीत गई। कैंडिडेट उतारने में क्या भाकपा माले ईडी गठबंधन ने भूल किया है क्या? नहीं, कोई भूल नहीं हुई है। यहाँ NDA के जो जातिगत वोट थे, चाहे वो जदयू के हों चाहे वो चिराग पासवान के तरफ से दलित वोट मिलता हो, सारे वोट अभी NDA प्रत्याशी विशाल आनंद के पक्ष में है। यही सबसे बड़ी जीत है कि NDA के जो वोटर हैं वो एकजुटता प्रदर्शित किए और उन्हें वोट मिला। मैंने कारण आपका यही है कि एकजुटता ही। आप क्या कहेंगे, संक्षेप में ही बताइए क्या लग रहा है, जीत का कारण क्या है? देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए जैसे कि गौरव ने संक्षिप्त में बता दिया कि क्या कारण रहा है, दो तीन सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर झुंड है तो उसमें से कुछ लोग आपको कहें कि नहीं आपने अच्छा काम किया है। उसका एक नतीजा है ये विशाल जो इस बार जो जीते हैं, तो उनके पिताजी का अच्छा कार्य था तो लोग बता भी रहे थे कि सुनील पांडे के टाइम में सड़क भी बनती थी, लेकिन इनके टाइम में 10 साल के कार्यकाल में 9 साल में कुछ नहीं बना। तीसरा चीज़ क्या है कि देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि आप जहां माले की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए सुदामा प्रसाद जब वहां विधायक हुआ करते थे तो जो उनके जाति के समाज का जो वोट उनको मिलता था, वो वोट जो है बनिया का वोट वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है, सुदामा के नाम पे गिरता था लेकिन वो राजू यादव के नाम पे नहीं गिरा है। लेकिन बंटी जी, जो बनिया समाज की अगर बात करें, वैसे समाज की, तो वोट तो बीजेपी के कैडर वोट में गिनती आती है, तो कैसे वो डाइवर्ट हो जा रहा था? देखिए अभी कुछ सालों से यहाँ पे चल रहा है, पहले से भी चलता था कि बनिया समाज जो भी समाज है अपने जातिगत वोट यहाँ पे, देख जाति के नाम पे भी वोट मिलता है, और जहाँ अगर तरारी विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो वहाँ पे जो बनिया वोट था जिसके वोट के कारण से सुदामा प्रसाद जीते भी थे, तो वो वोट राजू यादव को नहीं पड़ा। किस कारण नहीं पड़ा है ये तो जांच का विषय है, देखने वाली और सोचने वाली ये बात है। और जहाँ ये इंडी जो गठबंधन है जो, तो इसमें कहीं भी वो एक साथ कहीं दिखे नहीं, वो राजद हो या फिर वो VIP पार्टी हो या फिर माले हो या कोई भी पार्टी हो, एक साथ कभी धरातल पर दिखे नहीं। बस भीड़ लगाने के लिए ही कुछ बड़े बड़े नेता और चेहरा को बुलाया गया था, उसके बाद सारे के सारे जो बिखर गए, जिसका चुनावी कैंपेन में दिख रहा है। चुनावी कैंपेन में मैंने एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ नहीं लड़े। देखिए जो दिखता है वो सही नहीं होता है, ठीक है ना, आज हम आपके साथ है कल नहीं है, तो वही हुआ है ये राजू यादव के साथ। जी हाँ, इनका कहना है कि जो ईडी गठबंधन है और उसके जितने घटक दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक राजू यादव की हार की बात है, एक कारण ये भी है कि पासवान वोट जो था, जो पहले सुदामा प्रसाद को मिलता था या माले का जो वोट था, वो ट्रांसफ़र सीधे चिराग पासवान के आ जाने के बाद वो सीधे NDA में ट्रांसफ़र हो गया। पहले जो उम्मीद थी कि ये माले वोट राजू यादव को मिलेगा, वो ट्रांसफ़र सीधे उसमें चला गया। और ये
जो कौशल विद्यार्थी जो को पिछला चुनाव में जो वोट मिला था वो भी सीधे इसमें एनडीए में आ गया, तो इससे प्रशांत किशोर विशाल का जीतना तय हो गया। जन सुराज को क्या? जन सुराज का ये तो प्रथम बार यहाँ कैंडिडेट थे और कैंडिडेट वहाँ फॉर्म स्थिति में था, पहले एसके सिंह का नाम आया, उसके बाद किरण सिंह का नाम आया और वो अपना वोट अपने आप नहीं, एक अनुमान भी लग रहा था कि एक पहचान एक बनेगा, उससे नोटा भी प्रभावित किया है कुछ जीत में। प्रशांत किशोर के नाम का जादू नहीं चल पाया धरातल? नहीं नहीं नहीं, ये प्रशांत किशोर का नहीं चल पाया, नहीं चल पाया। आप क्या कहेंगी, आप महिला पत्रकार हैं, क्या किस नज़र से देख रही हैं इस जीत को और क्या लग रहा है, क्यों, क्या कारण था बीजेपी के प्रत्याशी की जीत का संक्षिप्त में? जी, जिस तरह से इस बार की जो जीत है तरारी उपचुनाव की जीत है और प्रशांत जी जीते हैं, विशाल प्रशांत, ये कहीं ना कहीं जो एकजुटता का प्रतीक है, जो एनडीए है पूरी तरह जिस तरह से आरा जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बिखराव की स्थिति थी, इस वजह से भी हार का कोई कारण नजर आ रहा था, लेकिन इस बार कहीं से भी एनडीए जो था गठबंधन कहीं से बिखराव की स्थिति में नहीं थी, चाहे वह उनके छोटे दल हों या बड़े दल हों या एलजेपी हो या बीजेपी हो या जदयू हो या किसी भी छोटे भी दल हो, लेकिन सभी ने एकजुटता का प्रतीक दिखाया और राज्य से लेकर केंद्र सरकार की जो मंत्री है उनके भी प्रचार रहे, वो घर घर गए, तरारी के हर क्षेत्र में गए, हर जाति के समूह में जाकर जो अपना प्रचार किए, कहीं ना कहीं ये जीत उसका भी कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं जो माले की हार हुई है वहाँ पर स्थानीय लोगों का विश्वास वो जीत नहीं पाए। दो टर्म रह चुके हैं सुदामा प्रसाद और इसी कारण वहाँ का विश्वास नहीं जीत पाए और फिर से सुनील पांडे के पुत्र विशाल पांडे जो प्रशांत हैं उन पर विशाल जो तरारी की जनता है उन्होंने विश्वास जताया है। अब देखने वाली बात है कि कितना वो सफल होते हैं। यहाँ साफ तौर पे जो हमारे साथ स्थानीय यहाँ के पत्रकार हैं उनका कहना है कि जो तरारी के उप विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत हुई है, इस जीत के पीछे सबसे बड़ी फैक्टर ये रही कि एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता थे वो एकजुट होकर धरातल पे चुनाव प्रचार किए और लोगों तक पहुंचकर अपनी सारी योजनाओं के बारे में, सरकार के सारी उपलब्धि के बारे में बताया और उसी का कारण हुआ तरारी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत की जीत। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।